12वें विभागों में 10,000 से ज़्यादा पद। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र और राज्य के 12 विभागों में 10,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन, इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 19,000 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी दी जाएगी। इसमें इंडियन रेलवे में 548, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 251, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 1,600, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन में 64, राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 3,736, इंडियन नेवी में 242, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 255, बिहार विधानसभा में 69, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में 64, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 92, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 84, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 4,374 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। रेलवे में 500 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकली है, इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 548 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। इसमें 64 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 92, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 84, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 4,374 पद पर भर्तियां की जाएंगी। रेलवे में 500 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकली है, इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 548 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर rrecrecruit.co.in पर क्लिक करें। वेबसाइट के होम पेज पर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद के लिंक पर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट साउथर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे के ऑप्शन पर जाए। अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन कर ले। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरे आगे की ज़रूरत के लिए एक प्रिंट आउट लेकर रखें। दोस्तों, ये जो फॉर्म है 12 विभागों में 10,000 से ज़्यादा पदों पर निकली वैकेंसी 1,60,000 तक